सब्सक्राइब करें अगरबत्ती की सारी जानकारी लेने के लिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। हेलो गाइज, आप सभी का हमारे ऑल अबाउट अगरबत्ती चैनल स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल पर अगरबत्ती से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला, जी हाँ दोस्तों, आप सभी थंबनेल टाइटल देख के समझ ही गए होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट डिमांडेड टॉपिक होने वाला, जो कि सामरानी कप के बारे में होने वाला। जो आप सभी इस तरह का सामरानी कप टेबल पर भी देख रहे होंगे, और यहाँ हमारे मेरे हाथ में सैंपल है सामरानी कप का। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड आइटम होने वाला, क्योंकि मेरे पास अक्सर आप सभी में से भाई ये पूछते रहते हैं कि सर मुझे सामरानी कप का बिजनेस स्टार्ट करना, सामरानी कप का बिजनेस कैसे कर सकते। मुझे अक्सर इस सामरानी कप के लिए पर्सनल कॉल, पर्सनल व्हाट्सएप पे डीएम आता रहता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आता है कि सर मुझे सामरानी कप का बिजनेस स्टार्ट करना, सामरानी कप के बारे में बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, लीजिए आप सभी के लिए मैंने नया टॉपिक लेकर आया, जो कि सामरानी कप के बारे में होने वाला है। आप इस बिजनेस को मिनिमम लागत से काम स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका अभी जो मार्केट है सामरानी कप बहुत मोस्ट डिमांडेड बिजनेस अभी होते जा रहा है। इसका मार्केट बहुत ज़्यादा सेल, और इसमें बेनिफिट भी आपको अदर प्रोडक्ट से अच्छा होने वाला है। और हमारे पास इस तरह का आपको रेडी ट्रे मिलेगा, जो आप सभी देख सकते हैं। इसमें मैंने आप सभी के लिए मिक्स फ्लेवर दिया है। बहुत सारे भाइयों का ये दिक्कत आता है कि मान लीजिए उन लोगों का कम क्वांटिटी, मान लीजिए 6,000 रुपये से वो लोग काम स्टार्ट करें, 6,500 रुपये से काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हो पाता है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में जो लोग बेचते हैं वो एक ही फ्लेवर का ले पाते हैं। क्योंकि हर जगह हर कंपनी में एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है कि आप एक फ्लेवर का 200 ट्रे ले सकते हैं, 300 ट्रे ले सकते हैं। जो ये आप सभी देख सकते हैं, ये एक ट्रे है, एक ट्रे के अंदर 12 पीसेज आता है। जैसे आप सभी देख सकते हैं, इस तरह का सामरानी कप जो है 12 सिंगल पीसेज रहता है। आप सभी के लिए मैंने कस्टमाइज बताया कि आप लोग मिनिमम क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेवर का आप सभी आनंद उठा सके। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने आप सभी के लिए जो कस्टमाइज जो सामरानी ट्रे आप सभी के लिए रेडी किया है, आप सभी देख सकते हैं। इसमें 4 कलर आप सभी को दिख रहा होगा, ब्लैक है, येलो है, ग्रीन है, पिंक है। तो ये चारों फ्लेवर जो है आपको सभी का, चारों अलग अलग कलर है और चारों अलग अलग फ्लेवर होने वाला है। तो फिर चलिए बिना देरी किया अपने वीडियो को लेके जाते हैं। आशा करेंगे आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और हमारे चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ सैंपल भी आप सभी को सामने से दिखाते हैं, कैमरा मैन अगर पास आके दिखाएं तो आप सभी को इस तरह का हमारे पास सामरानी कप मिले, जो कि बहुत ही प्रीमियम हमारा सामरानी कप होने वाला है। हमारे पास और भी फ्लेवर आता है, जैसे कि आप सभी को काउ डंग का हमारे पास बना हुआ है। तो अभी आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि हम लोग जो आपके लिए कस्टमाइज जो इस तरह का ट्रे आप सभी के लिए बनाइए, आप इससे स्टार्ट करें। आप सभी देख सकते हैं एक ट्रे हम लोग के पास से मिलेगा, और इस तरह का आपको ये आप सभी देख सकते हैं कि सामरानी स्टैंड, आपको इस तरह का सामरानी स्टैंड आता है जिसके ऊपर सामरानी रख के जलाया जाता है। तो फिर चलिए बिना देरी के अपने वीडियो कॉल लेके आते हैं, और आप सभी को एक एक करके सामरानी कप के बारे में बताते हैं, और आप सभी मिनिमम कितने लागत से सामरानी कप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को लेके चल। तो फिर सबसे पहले हमारे बिगनर्स भाई के बारे में कुछ दो टिप्स देना चाहूँगा, जो बिगनर्स है, जो नया काम स्टार्ट करना चाह रहे, जो स्टूडेंट लाइफ में ही काम स्टार्ट करना चाह रहे अपने पढ़ाई करते हुए। सबसे दो पॉइंट मैं आप सभी को बताऊंगा, जो कि आप हमेशा याद रखिएगा, तो आप काम अच्छे आसानी ढंग से कर सकते हैं और काम करने में आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला है कि पेशेंस है। अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो पेशेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो दुनिया कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते। दूसरा आपका है कि टाइम लैप्स है। ये टाइम लैप्स क्या है और पेशेंस क्या है, तो पेशेंस सभी को पता है कि पेशेंस किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने पेशेंस रखना पड़ता है। आपका कोई भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास आप जाएगा, उससे किताब पढ़ेगा तो वो एक दिन में बिजनेस नहीं खड़ा रहता है। आपको महीने लगते हैं, साल लगते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगता है आपको मार्केट बनाने के लिए। एक बार आपका मार्केट बन जाता है तो फिर आपको प्रोडक्ट चल पड़ता है। तो सबसे बड़ा होता है पेशेंस। आपको बिजनेस स्टार्ट करने पेशेंस बहुत जरूरी है। आप चाहिएगा 10 दिन में आप बिजनेस से अच्छा मुनाफा कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे भाई पूछते हैं कि सर मार्केटिंग कैसे करना है, तो मार्केटिंग देखिए बहुत ईजी आपको है। मार्केटिंग कुछ भी नहीं, आप कैसे नहीं, तो करते करते आप सभी को हैबिट बन जाता है। आपको मार्केटिंग में भी हैबिट करना है। आपको मान लीजिए किसी काउंटर पर जा रहे हैं, मान लीजिए दिन भर में आप 10 काउंटर विजिट कर रहे हैं, 10 में से मान लीजिए 4 काउंटर आपसे माल ले रहे हैं, 6 काउंटर नहीं ले रहा है, तो वो 6 काउंटर क्यों नहीं माल लेना है आपको मार्केटिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे मार्केटिंग करना है। वो 6 दुकान पे आपसे माल ले तो आप टाइम टू टाइम जैसे जैसे मार्केट करेगा, 50 दुकान से घूमेगा, 100 दुकान, तो आपको बात करने का समझ में आएगा कि किस दुकानदार से आपको किस तरह से बात करना है कि वो आपका प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ बीच में डिस्टर्ब हो गया, वो आपका प्रोडक्ट ले। तो आप सभी को मार्केटिंग पे ध्यान देना है। मार्केटिंग ऐसा नहीं कि आपको कोई सिखा देगा तो आप मार्केटिंग समझ, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको मार्केटिंग करते करते आपको मार्केट समझ में आएगा। अभी इसमें से कई क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे भाई पूछते हैं कि सर मान लीजिए मैं 50 दुकान विजिट कर रहा हूँ, 50 में से होता है कि 40 दुकान माल लेते हैं, 10 दुकान नहीं लेते हैं, तो वो 10 दुकान को कैसे जोड़ना है।
वो 10 दुकान को आप छोड़ना नहीं, वो 10 दुकान को भी पकड़ना, वो 10 दुकान से महीने का आप 10,000 रुपया कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो 10 दुकान से 10,000 रुपया वो कमाना है, तो आप सभी को टाइम टाइम उस जो बाकी दुकान जो आपसे नहीं माल ले रहे 10, वो उसको भी आपको विजिट करना है। अगर मान लीजिए आपने एक बार विजिट किया, माल नहीं लिए, दो बार लिए, दो बार गए, दोनों बार नहीं लिए, तीन बार में हो सकता है कुछ 10 में से मान लीजिए 4 दुकान लिए, 6 दुकान लिए, जो 6 दुकान बच रहे ना, इसको भी आपको 3 से 4 विजिट करना है। अगर वो आप मान लीजिए किसी दुकानदार को एक बार विजिट की नहीं लिया, दूसरा बार भी नहीं किया, तीसरा, तो चौथा बार संभावना है 80% संभावना को आपसे माल लेगा ही लेगा। एक बार मान लीजिए आपने सामरानी उसको दिया, वो आपसे ले लिया, चौथा बार विजिट करने आपने वो तीनों दुकानदार जो बाकी आपका दुकान है वो भी आपसे माल ले लिया, तो अगर आपकी क्वालिटी दम होगी ना तो आपसे जिंदगी भर माल लेगा, क्योंकि 40 दुकान जो आपसे ले रहा है, फिर 3 दुकान इधर भी, और जो 6-7 दुकान जो बचा वो भी आपसे माल ले रहा है। तो मार्केटिंग में आपको मेन फोकस करना, मार्केटिंग पे ध्यान देना, मार्केटिंग आपका 1-2 दिन में नहीं होने वाला, इसके लिए महीने और सालों आपको टाइम देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है कि टाइम लैप्स है। बहुत सारे बिगिनर्स ज़्यादातर की जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, वो मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आज से 1 साल पहले वो बिजनेस स्टार्ट करना सोचे कि हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ ना कुछ मुझे अपने लाइफ में अलग से करना है, तो मान लीजिए उनका इन्वेस्ट है 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी उनका इन्वेस्ट है उतना लगाना चाह रहे हैं, तो होता है कि बिजनेस समझ भी जाते हैं कि हाँ बिजनेस कौन सा बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है, कैसे करना है, तो वो टाइम लैप्स करते हैं कि चलो ठीक है 2 महीने के बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 2 महीना जब हो जाता है चलो ठीक है 1 महीना और देखते हैं, 1 महीना के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते वो साल 1.5 साल अपना बिता देते हैं, जो कि उनका गोल्डन टाइम जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी बिजनेस को आप 1 साल टाइम दीजिएगा तो वो बिजनेस आप अच्छे ढंग पे, अच्छे लेवल पे, और अर्निंग आपको उस बिजनेस से स्टार्ट करना 100% गारंटी का, आप उस बिजनेस से अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं अगर 1 साल अगर उस बिजनेस आप ध्यान दीजिएगा। तो कोशिश करना, कोई भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए टाइम लैप्स आपको नहीं देना है। तो फिर चलिए वापस अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाते हैं। बहुत सारे हमारे भाई ये पूछते रहते हैं, तो सभी को कॉल पे ये सब चीज़ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वीडियो के सारे मैं आप सभी को शेयर करता हूँ। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हमारे पास से मिनिमम 200 ट्रे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सभी को सामानी का आपको ऑर्डर देना तो हमारे दिए गए नंबर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑल ओवर इंडिया हम लोग का डिलीवरी, आप घर बैठे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भारत के किसी भी कोने, छोटे से छोटे गाँव में हम लोग का डिलीवरी है, जो कि आप सभी को हमारे पास से अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया है। तो आप घर बैठे बैठे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और मिनिमम से मिनिमम 6-6.5 रुपये से इस काम को स्टार्ट कर सकते हो, और मार्केट में अच्छा अपना मार्केट अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सभी को एक ट्रे के अंदर आप सभी देख सकते हैं 4 फ्लेवर है। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी आपने एक ट्रे के अंदर 1 फ्लेवर या मैक्सिमम 2 फ्लेवर दे रही है, आपको हमारे पास से 4 फ्लेवर मिलेगा, और हमारे पास आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए गुलाब की जगह आपको डेनिम देना है, फंटासिया देना है, केवड़ा देना है, रजनीगंधा, तो आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन जो भी कस्टमाइज होगा उसका मिनिमम ऑर्डर थोड़ा बल्क में ऑर्डर होता है, 600-700 ट्रे रहता है। अगर आप सभी को 200 ट्रे करना है तो आप सभी के लिए मैंने बेटर ऑप्शन दिया है, आपको गुलाब है, मोगरा है, चंदन है, गूगल काफ़ी है, ये बिजनेस आप सभी को इतना अगर आप फ्लेवर ले आएंगे तो मार्केट खूब चलेगा आपका। तो फिर आशा करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर आशा करते हैं कि आप सभी को कुछ ना कुछ हमारे पास से सीखने को मिला होगा। तो अगर आप सभी को कुछ हमारे मुझे टिप्स भी देना चाहते हैं इस बिजनेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर कुछ टिप्स देना चाह रहे हैं, मुझे पर्सनल टिप्स देना चाह रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सभी किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हुआ तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू सो मच।